और तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को देख पा रहे हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान है और विराट कोहली गुड़गांव की एक सीट पर मतदान करने के लिए इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। मनीष जी, हमारी आपकी बात हो रही थी, ये जो तस्वीरें निकल कर आती हैं बड़े लोगों की, नामचीन लोगों की, ये एक संदेश देती है। वोटरों के लिए क्या संदेश होता है और वोटरों को क्या किस तरह का संदेश मिलता है? देखिए, ये प्रेरणा तो देती है कि सारे बड़े लोग सुबह, आमतौर पर यह देखा जाता है कि लेट नाइट जागने वाले लोग अगर सुबह सुबह उठकर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे लोगों में एक उत्साह भी पैदा होता है इन्हें देखकर कि भाई अगर ये जाकर पहले मतदान डाल रहे हैं क्योंकि आप ही के मतदान से। मनीष जी, जी आप सही कह रहे हैं मनीष जी, ये हमें उत्साहित करती है कि निकले और वोट करें। छोटे से ब्रेक का वक्त। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान देशभर में शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं और जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसी तस्वीर है, प्रेरित करेगी तमाम नव उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को तो जरूर करेगी, साथ ही साथ देश की तमाम जनता को भी। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान इस वक्त वोटिंग करने के लिए। मनीष जी, संक्षेप में अपनी बात रख दें। देखिए राजीव, मैं ये कहता हूं, अभी जब मैं सवेरे स्टूडियो आ रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, अगर आप शरीर से प्रेम करते हैं तो व्यायाम करें, आत्मा से प्रेम करते हैं तो ध्यान करें, और अगर देश से प्रेम करते हैं तो मतदान करें। जी हाँ, अगर देश से प्रेम करते हैं तो मतदान करें, ये तस्वीरें वही बता रही हैं।